आज हम देखेंगे कि अलराजी तहवील अलराजी में बेनिफिक्सरी कैसे ऐड करेंगे, वो भी नाम पे भेजने के लिए। नाम पे बेनिफिक्सरी कैसे, एक तो अकाउंट नंबर होता है, अकाउंट नंबर ऐड करते हैं, वो अकाउंट नंबर नाम पे भेजने के लिए, मनी ट्रांसफ़र करने के लिए कैसे नाम नाम का बेनिफिक्सरी ऐड करेंगे इंटरनेशनली। ठीक है, तो आज चलते नेक्स्ट वे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफ़र, तो हमें यहाँ ट्रांसफ़र पे क्लिक करना होगा। ट्रांसफ़र पे क्लिक करते ही ये पेज आ गया, तो ये देखिए सर्कल जो बना हुआ है, इस सर्कल पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे न्यू बेनिफिक्सरी लिखा हुआ है। अब इसको इसी पे हम क्लिक करेंगे न्यू पे, तो हमें क्या करना है, ये तो इंस्टेंट भेजने के लिए है, ये तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए भेजना है। ये सिर्फ यहाँ देखिए कंट्री है, सिर्फ बांग्लादेश और इजिप्ट आ रहा है, तो हमारे लिए नहीं है, मतलब इंडिया के लिए नहीं होना है, अभी तक अपडेट नहीं है, शायद फ्यूचर आ जाए अपडेट। तो अभी हम देखेंगे ये वाला, तो बैंक का बेनिफिक्सरी ऐड करना हमने पिछले वीडियो में बनाया हुआ है, देखिए आप वीडियो भी देख लीजिएगा कि कैसे बेनिफिक्सरी ऐड करते हैं अकाउंट नंबर। ओके, तो हम अभी कैश वाले में सिर्फ नाम कैसे करते हैं, तो ये देखिए कैश पे लिखा हुआ है क्या, इंस्टेंट कैश पे हम क्लिक करेंगे। इंस्टेंट कैश पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे लिख रहा है कैटेगरी, आप सिलेक्ट कीजिए इंडियन, तो हम यहाँ पे इंडिया करेंगे, तो इंडिया आप बांग्लादेश करें तो बांग्लादेश करें, या नहीं तो पाकिस्तान करें पाकिस्तान करें, जहाँ गया तो हम इंडिया के करें तो इंडिया आ गया। ओके, ये सर्विस प्रोवाइडर ये हमारे पास दो आ रहे हैं, मनीग्राम चाहिए या क्या चाहिए, तो हमें मनीग्राम ही ले लेते हैं। आप ये भी ले सकते हैं, मुश्किल नहीं है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ओके, तो उसके बाद हम लेते हैं करेंसी चूज कर लेते हैं कौन सा करेंसी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टाइप ऑफ अकाउंट, तो किस टाइप, मतलब कैसे भेजना है तुमको, तो हमें तो कैश ऑफ पिकअप करना है, तो इस पर क्लिक कीजिए कैश ऑफ पिकअप पर। तो जैसे ही हम कैश ऑफ पिकअप पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, ओके हम कर देंगे इसको, हम जैसे ओके करेंगे तो ये आगे प्रोसेस आ जाएगा। ये देखिए अब हमें करना क्या है, यहाँ से नेक्स्ट करना है, नीचे देखिए नेक्स्ट लिखा होता है, यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करते ही यहाँ पे बेनिफिक्सरी का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यहाँ पे देखिए बेनिफिक्सरी का फर्स्ट नेम और बेनिफिक्सरी का लास्ट फैमिली नेम, मतलब लास्ट नेम अंसारी आलम जो भी है। अच्छा, उसके बाद बेनिफिक्सरी नेशनलिटी, उसके बाद यहाँ बेनिफिक्सरी का एरिया कोड, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे सिटी, यहाँ पे वरना सिटी, यहाँ पे एजेंट नंबर, कोई भी एजेंट नंबर हो जी। तो ये देखिए हमने बेनिफिक्सरी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल दिया, और उसके बाद नेशनलिटी हम सिलेक्ट कर लेंगे कि हम नेशनलिटी क्या है हमारी, तो हम इंडिया वाले इंडिया के आदमी को सेट कर रहे हैं, तो हम इंडिया से इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एरिया कोड पूछ रहा है, तो एरिया कोड क्या है, एनी वेयर पेमेंट या बैंक डिपॉजिट, नहीं एनी वेयर पेमेंट करेंगे हम, ओके कर देंगे, यानी हम कहीं से भी ले सकते हैं, ऐसा करना ज़रूरी है। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो आप डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए, जैसे हम डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है तो हम डिस्ट्रिक्ट लिख देते हैं, वैसे डिस्ट्रिक्ट तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप एनी वेयर पेमेंट पे ही वो कीजिए, डिस्ट्रिक्ट की ज़रूरत नहीं है, एनी वेयर कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम कहीं से भी उठा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये सिटी भी कोई भी है, एनी वेयर कहीं भी उठाएंगे हम, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये डालने से ये फ़ायदा होगा कि आप अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में कहीं भी उठा सकते हैं, मतलब ऐसा सिस्टम, तो ये ज़रूर कीजिए आप। ठीक है, तो ये सब होने के बाद एजेंट सिलेक्ट करने का बोल रहा था, एजेंट भी एनी वेयर कर दीजिए, कोई भी हमें एजेंट भी नहीं चाहिए, हम कहीं से भी उठा लेंगे आपका पैसा। तो ओके, तो ये देखिए सब होने के बाद सब चीज़ ओके हो गया, ऐसे घुमा के देख लीजिए, उसके बाद सेव पे क्लिक कर दीजिए। सेव पे क्लिक करते ही देखिए ये आगे कि हाँ ये आपका नाम है और ये आपका ये है, आपने ये सिलेक्ट किया है, अगर आपकी गड़बड़ है तो एडिट पे क्लिक कीजिए, नहीं तो सेव पे क्लिक कीजिए। सेव पे क्लिक करते ही आपके देखिए ये फिर से OTP आएगा, तो OTP आते ही देखिए मेरे को कैसे OTP आ गया है 6954। ओके, मैंने सिंपली डायल कर दिया, डायल करते ही देखिए आगे के पेज क्या आता है,
देखते हैं आगे की पिच क्या होता है। तो ये थोड़ा नेट के प्रॉब्लम है शायद, इसलिए ऐसे धीमे चल रहा है। तो अभी लाइव दिखा रहे हैं इसलिए, देखिए ये हो गया डन। ठीक है, तो ओके, हम इसमें कुछ नहीं के बैक नहीं करेंगे, हम इसे यहाँ से डन कर देंगे। डन करते ही हम बैक आ गए, तो बैक आते फिर इसको ऐसे एक्टिवेट करेंगे, फिर हम मैनेज बेनिफिशियरी में जाएंगे और कर देंगे इसको। ओके करते ही देखिए हमारे पास नीचे आया होगा, देखिए ये आया, ये देखिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए नीचे आया, नीचे नीचे ही एक्टिव। तो फिर से हम इसको ओके करेंगे, तो देखिए कुछ देर में फ़ोन आएगा मेरे पास। तो फ़ोन बाद ये देखिए फ़ोन आ गया, तो मैं फ़ोन उठा के फिर बात करके एक दबाना होगा, फ़ोन उठा के एक दबाना है बस, और कुछ नहीं करना है आपको। तो आप भी ऐसे कीजिएगा, ओके। देख तो ये देखिए देखिए राधिक का फ़ोन है, तो इसको हम एक दबा देंगे, एक दबाते हैं इसको फ़ोन बोल दिया, हो गया। तो आप ऐसे करके आपके पास मैसेज भी आ जाएगा, तो आप ऐसे करके ये सब ऐड कर सकते हैं। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हमें मनोबल बढ़ जाता है कि हाँ कुछ लोग जो है फॉलोवर देख रहे हैं, तो हम उसके अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं। आप लोग भी कोई दूसरा कोई वीडियो बनाना चाहिए अगर कोई और बैंक का या कुछ भी, तो आप कमेंट में कह सकते हैं, तो हम उसके लिए वीडियो बना के देंगे आप। और एक हमारा अल्लाह जी राजी का यही एक मसला है, तो ये अभी अपडेट दे दिया, तो अब तो अच्छा ही है ना। ये तो बेनिफिक्सरी अब बैठे बैठे ही ऐड हो जा रहा, पहले तो जाना पड़ता था ब्रांच में, लाइन लगाओ, ये करो वो करो, तो होता था। थैंक यू। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब से आपके कुछ जाता नहीं है और हमारा मनोबल बढ़ जाएगा बस। थैंक यू।